हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल आई बैक लिबास हॉल वीडियो जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आता होता है तो इसीलिए ये लिबास वाले भी ऐसे होते हैं कि काफ़ी नए नए प्रिंट्स और काफी सारे अच्छे डिजाइंस निकालते ही रहते हैं और क्योंकि फेस्टिव सीजन ऑन हो चुका है तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन आज के हॉल में होने वाले आर्ट कुर्ता सेट्स आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे इसमें से एक कॉर्ड सेट इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है और सारे के सारे आठ के आठ जो कुर्ता सेट है ना वो आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट रहने वाले वेदर इट्स करवाचौथ और गणेश चतुर्थी जन्माष्टमी इवन दिवाली दशहरा वो सब के लिए बहुत ज्यादा प्रिंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत ज्यादा अमेजिंग कम्फर्टेबल पीसेज आज के हॉल में रहने वाले तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं बता देती हूँ कि आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हैं विश लिंक इसके बाद आपको मिलेगा टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ यस दो हजार या दो हजार से ऊपर की शॉपिंग के बाद ये कूपन कोड लगेगा तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे कुर्ता साइज जो भी मैंने मंगाए उनका साइज मैंने लिया है मीडियम तो फाइनली अभी करते हैं वीडियो को शुरू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो मैं कॉटसेट की बात कर रही हूँ जो कि शिफॉन फैब्रिक में है एक बहुत ही बेहतरीन प्यारा 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 सा पीस है और इसमें आप लोगों को प्रिंट्स भी मिल जाते हैं इसका फैब्रिक आप लोग जब टच करोगे ना इट इज़ सो नाइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसको आप दो तरीके से स्टाइल कर सकते हो आप इसको एक वेस्टर्न तरीके से भी स्टाइल कर सकते हो इस तरीके से आपको बॉटम वेयर मिल जाता है इसका फैब्रिक इस जस्ट वाव मतलब शिफोन जो होता है ना वो ही मतलब शिफोनी ऑफकोर्स वो क्या इस तरीके से आपको प्लाजो मिल जाता है ब्रॉड वाला और साथ में आपको लाइनिंग मिलेगी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइनिंग आप लोगों को कॉटन की मिलने वाली है ये प्रिंट और ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे टेम्पिंग लगा था जब मैं देख रही थी स्क्रोल रही थी इसमें एक और प्रिंट आप लोगों को मिल जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि वो मंगाऊँ कि ब्लू मंगाऊँ फिर मैंने ब्लू को चूज किया इस इलास्टिकेटेड वेस्ट मिल जाते हैं दोनों तरफ पौक, आपको पॉकेट मिल जाएंगी और ये प्रिंट आप लोग इस तरीके से देख सकते हो बहुत प्यारा सा ऐसे ब्लू कलर ये रहने वाला है अभी मैं बात करती हूँ इसके टॉप के ये थ्री पीस में रहने वाला है बेसिकली इस तरीके का टॉप आप लोगों को मिल जाता है क्या डिटेलिंग क्या फिनिशिंग और किस तरीके की मस्त वाली फिटिंग आई है ना इस तरीके का साइड में आप लोगों को जिप मिल जाता है जिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और साथ ही साथ है ना जो नीचे से ऊपर वाली साइड होती है ना जिप वो थोड़ी बंद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है इस वाले में ऊपर से नीचे वाले में थोड़ा ईजी होता है जिप को बंद करना और साथ में आपको इस तरीके से हुक का क्लोजर भी मिल जाता है दोनों के दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला जो बॉटम वेयर और टॉप वेयर है दोनों लाइनिंग वाले हैं आप लोग देख सकते हो इस तरीके से फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी मीडियम साइज़ लिया था अभी मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग फ्रंट वाले पोर्शन में इस तरीके से दिखाना चाहूँगी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके की डिटेलिंग मिल जाती है आपको बहुत ज़्यादा सिंपल और सा पीस ये लगने वाला है अब भी इसकी हाईलाइट जो रहेगी वो रहने वाली है इसकी इस तरीके की कुर्ती में आप इसको बिना कुर्ती के भी स्टाइल कर सकते हो और इसके साथ भी आप स्टाइल कर सकते हो इसका फैब्रिक आप लोग देख सकते हो इतना पतला सा है और काफी ज्यादा लाइट वेट है सम अप्रोप्रिएट है और ज्यादा स्टाइलिश ये लगने वाला है तो अभी मैं बात करती हूँ फ्रंट वाले पोर्शन की इस तरीके का आपको जो कटआउट की डिटेलिंग है जो नेक रहेगा वो थोड़ा ब्रॉड मिलेगा क्योंकि नीचे वाले पोर्शन पर भी यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा है तो वर्क है तो वो वाला वर्क प्लस में इसका साइड में जो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का तीनों के तीनों बटन दिए हुए हैं और जो कि ओपन हो सकते हैं तो आप इसको ओपन करके भी पहन सकते हो और साथ में स्लीव थ्री फोर्थ मिल जाती है अब नीचे वाले पोर्शन में इसका घेर काफी ज्यादा दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था पहनने में और अच्छा लग रहा था कुछ इस तरीके का फ्रंट में आपको इस तरीके का स्लिट मिल जाता है एक प्यारा स्टाइलिश लुक आप क्रिएट कर सकते हो इंडो वेस्टर्न तरीके से किसी को प्रॉपर सूट सलवार नहीं पहनना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है दूसरे वाले का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो अगर किसी को वो वाला पसंद आए तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो चलिए चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट परचेज पे विच इज़ गोइंग बी विच इज़ गोइंग टू बी ए बांधनी प्रिंट का रेड कलर का प्रॉपर जो होता है ना कि फेस्टिव चिक चिक के बोल रहा हो वो ये वाला कुर्ता सेट रहने वाला है इस तरीके का बांधनी प्रिंट में आप लोगों को मिल जाता है नेक के ऊपर कितनी प्यारी सी डिटेलिंग दे रखी है जरी का वर्क है और यहाँ पे भी आप लोग वर्क देख सकते हो तो ये एक बहुत बेहतरीन प्यारा कलर का पीस मुझे लगा प्रॉपर घेर वाली अनारकली है काफी ज्यादा अच्छा खासा घेर इन्होंने दिया और साथ में पता है आबली बास वाले कगड़ने लग गए कि एक पॉकेट ये लेफ्ट वाली साइड में अनारकली हो चाहे कुछ भी हो साइड में जरूर देते हैं एक पक्षी बहुत ज्यादा काउं कॉँव कर रहा है एक पक्षी यानी कि कौवा बहुत ज्यादा काउं कॉँव कर रहा है बैकग्राउंड में पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं तो कुछ इस तरीके की चोली रहने वाली है और घेर वाला आपको नीचे वाला पोर्शन मिल जाता है और यहाँ पे डिटेलिंग आप लोग देख सकते हो गोटा पट्टी की रहने वाली है इट इज़ वेरी नाइस ये राजस्थानी टाइप का जो प्रिंट होता है वैसा प्रिंट मुझे लगा कहीं ना कहीं देखने के लिए अभी मैं स्लीवस की बात कर लेती हूँ थ्री फोर स्लीव है कुछ इस तरीके की लहरिया प्रिंट इसको बांधनी प्रिंट बोलते हैं इसको लहरिया प्रिंट बोलते हैं जितना मुझे पता है शायद तो इस तरीके की गोटा पट्टी की डिटेलिंग के साथ आपको ये कुर्ता पीस मिल जाता है तो ये अगर कोई अना उस पर पहनना चाहे करवा चौथ पे पहनना चाहे तो एक अच्छा ऑप्शन ये रह सकता है बात करते हैं इसकी दुपट्टा की दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और बिल्कुल प्रॉपर रेड कलर में तो ये जितने भी मैरिड लेडीज़ हैं या मैरिड वुमेन है वेरिड गर्ल्स है मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा मॉडस्ट और बहुत ज़्यादा ऐसे लगा लो ट्रेडिशनल भी इसमें लुक आ रहा है अच्छा खासा लुक क्रिएट आप लोग कर सकते हो तो सीक्वेंस का वर्क आपको पूरे पूरे दुपट्टा मिल जाएगा गोटा पट्टी का डिटेलिंग मिल जाएगी और ये दुपट्टा आपको ऑर्गेंजा में मिलेगा तो एक अच्छी बात है तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा ये साइड में लेने के बाद लग रहा था अब आके आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा बात करते हैं बॉटम वेयर बॉटम वेयर लहरिया प्रिंट की, डिटेलिंग मिल जाती है, है, तो एक बहुत अच्छा पीस ये और इसका फैब्रिक जो रहने वाला है वो सिल्क ब्लाइंड वाली साइड में कहीं ना कहीं रहने वाला मतलब कॉटन में नहीं है अभी मैं चलती हूं हमारे नेक्स्ट परचेज पे जो कि बहुत ज्यादा हेवी पार्टी पार्टीवियर कुर्ता सेट रहने वाला है ब्लैक कलर का ये रहने वाला है इसको आप किसी भी वेडिंग में या अगर मतलब ऐसा होता है ना कि अगर किसी को त्यौहारों पे ब्लैक नहीं पहनना तो ये पार्टीज के लिए ऑफकोर्स रात की पार्टीज में बहुत ज्यादा अमेजिंग पीस लगने वाला है कुछ इस तरीके की डिटेलिंग आप लोगों को मिल जाती है इसका कॉम्बिनेशन मुझे काफी ज्यादा ऐसे अच्छा लगा था रेड और ब्लैक uh, कलर का ही रहने वाला है और साथ में देखोगे तो आप सेल्फ डिजाइन का भी काम मिल जाता है सीक्वेंस के वर्क के साथ पूरा कुर्ता पे आपको देखने को मिलेगा स्लीवस की बात कर लेते हैं जॉर्जेट की स्लीव आप लोगों को मिल जाते

कुट्टा हो गया बॉटम भी इसकी ब्लैक कलर की इसका दुपट्टा इसके कंट्रास्ट में है वो की जो कि रेड बरगंडी वाले शेड में आता है इलास्टिकेटेड है दोनों तरफ पॉकेट मिल जाती हैं पॉली मतलब इस तरीके का फैब्रिक रहेगा इसका कॉटन से हटके है थोड़ा रे कॉटन वाली साइड में कहीं ना कहीं रह जाता है इस तरीके का पेंट प्लाजो का इन बिटवीन बॉटम वियर रहने वाला है तो ये एक अच्छा पीस ब्लैक ब्लैक और साथ में रेड कलर का दुपट्टा भी मैं दिखाती हूँ आपको तो जॉर्जट का आपको दुपट्टा मिल जाता है इसमें शायद है ना कलर ऑप्शन आपको और भी अवेलेबल मिल जाएंगे तो ये दुपट्टा आपको मिल जाता है इस तरीके की वर्क के साथ आप लोग देख सकते हो ये आपको लेसिंग का काम मिल जाएगा साथ में वर्क मिलेगा और साथ में इस तरीके का जरी का वर्क पूरे के पूरा दुपट्टा भरा हुआ मिलेगा तो दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा हैवी है और कुर्ता भी वैसे बहुत ज़्यादा हैवी है तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो तो प्रॉपर पार्टी वियर कुर्ता सेट ये रहने वाला है आज के हॉल का अभी मैं चलती हूँ थर्ड कुर्ता सेट पे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा पेस्टल कलर का और इसका कलर देखना इसका फैब्रिक देखना आप लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है इसका जो फैब्रिक है ना वो यू आर गोइंग टू लव इथ अगर आपने इसको परचेज़ किया तो इसके फैब्रिक और इसके प्रिंट और उसके कलर से आपको प्यारा हो जाएगा इसका मलमल -मल वाला जो फैब्रिक होता है ना वो वाला फैब्रिक है और जो कि मतलब गर्मियों के लिए मज़ेदार रहता है बहुत ज़्यादा प्यारा फैब्रिक रहता है थ्री फोर स्लीव है कटआउट की डिटेलिंग के साथ आपको फॉयल मेरा वर्क देखने को मिल जाएगा विच इज़ वेरी नाइस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये वाला आप नेक की बात करते हैं नेक आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा पूरे बैक पर भी आपको इस तरीके का वर्क देखने को मिलेगा और ये पूरा का पूरा आपको नेक इस तरीके के काम के साथ मिलेगा और फ्रंट वाला पोर्शन में आपको फिर से दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके का मिलेगा आप ये वाला जो कुर्ता सेट है ना वो नायरा कट वाली साइड कहीं ना कहीं लाइ करता है साइड में आपको इस तरीके की कटआउट की डिटेलिंग कट्स मिल स्लिट मिल जाता है साइड में और यहाँ पे आपको डोरी मिल जाती है थोड़ा सा इसमें स्टाइल मारने के लिए है बाकी ये स्टिच्ड है इस तरीके से डिजाइन के साथ और आपको अच्छा खासा घेर भी मिल जाता है मतलब बहुत प्यारा सा पीस मुझे लगा इसका फैब्रिक बेहतरीन है मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे साइड की डिटेलिंग अगर आप देखोगे तो गोटा पट्टी का वर्क आपको देखने को मिल जाएगा पूरे के पूरे कुर्ता सेट पे नीचे वाले पोर्शन पे भी आप चलोगे तो इस तरीके का गोटा पट्टी का वर्क देखने को मिल जाएगा तो आई जस्ट लव दिस कुर्ता सेट आई जस्ट लव दिस कुर्ता सेट इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे और नीचे वाला जो पोर्शन है वो उसमें आपको लाइनिंग नहीं मिलेगी ऊपर वाले यहाँ तक वाले पोर्शन में आपको लाइनिंग मिलेगी नीचे ही लाइनिंग नहीं मिलेगी तो अगेन ये एक बहुत ही प्यारा पीस मुझे लगा अब इसके बॉटम वेयर की मैं दिखाती हूँ बॉटम वेयर इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको क्योंकि इसको आप मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर सकते हो और इतनी बेहतरीन क्वालिटी का ये है चिकनकारी वाला जो प्रॉपर होता है ना जैसा वैसा आप लोगों को मिल जाएगा कुछ इस तरीके की डिटेलिंग के साथ तो इसका बॉटम वेयर बहुत ज़्यादा तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वेदर इस चिकनकारी की कुर्ती अगर आप पहनते हो तो उसके नीचे आप लोग पहन सकते हो प्लाजो स्टाइल में आप लोगों को मिल जाता है और क्वालिटी टॉप नॉच है मतलब कुछ भी विजिबल सी थ्रू नहीं रहेगा इस वाले बॉटम वेयर से तो इसका बॉटम वेयर की एक अलग ही मतलब मुझे पसंद आया इसका और अब मैं दुपट्टा की बात करती हूँ दुपट्टा भी इसका कॉटन में रहने वाला है कॉटन में कुछ इस तरीके की प्रिंट के साथ आपको दुपट्टा मिल जाता है और गोटा पट्टी की अगेन डिटेलिंग आप लोगों को बाउंड्री पे मिल जाती है तो एक प्यारा सा पीस ये मिल जाता है अभी मैं चलती हूँ थर्ड कुर्ता सेट पे जो कि होने वाला है एक येलो कलर का अगेन इसमें ना मुझे ऐसा याद आ रहा है दो तीन साल पहले मैंने लिबास से परचेज किया था दो साल पहले आई गेस पर्पल कलर का सेट लिया था मैंने और कुछ इसी तरीके की डिटेलिंग उसमें थी तो मेरे को कहीं ना कहीं याद आया वो मेरे पास रखा भी हुआ है अभी मैं आपको पहले सबसे पहले इसका बॉटम वेयर दिखाती हूँ जो कि इसकी हाईलाइट मतलब इसका दुपट्टा भी अपने तरीके से अच्छा है और इसका Uh, uh, कुर्ता भी अपनी तरफ में मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा है पहले बॉटम वेयर हाथ में आ गए तो बॉटम वेयर की बात करते हैं कुछ इस तरीके का शरारा टाइप में मिलेगा आपको लेसिंग की डिटेल मिलेगी आई जस्ट लव दिस इसका फ्लेयर देखना आप लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग फ्लेयर के साथ आपको ये बॉटम वेयर मिलता है और साथ में कॉटन फैब्रिक है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है ये भी मेरे ख्याल से बांधनी प्रिंट वाली साइड में मैं बोलूंगी कि रहने वाला है इसमें ना पॉकेट आपको नहीं मिलेंगी तो ये हमारा बॉटम वेयर हो गया इस कुर्ता का और इसका कुर्ता देखना कितना ज्यादा प्यारा लगेगा कुर्ता दुपट्टा ये है और कुर्ता इसका ये वाला रहने वाला है अब कुर्ते की बात करती हूँ मैं कुछ इस तरीके का जो पेप्लम टाइप का कहीं ना कहीं रहता है उस तरीके का कुर्ता रहने वाला है थ्री फोर स्लीव्स के साथ कुछ इस तरीके की डिटेलिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी फ्रंट वाला पोर्शन कुछ इस तरीके का रहेगा और साथ में ये वाला जो पोर्शन है यहां पे आपको थोड़ी सी स्लिट देखने को मिल जाएगी तो जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और नीचे वाले पोर्शन में या मतलब हर तरीके से आप देखोगे सब बाउंड्री पे आप लोगों को इस तरीके की वाइट डिटेलिंग में लेस दे रखी है जो कि प्यारी लग रही थी तो एक कलर येलो मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है एथनिक वेयर में तो और ये वाला स्टाइल में तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। I just love this. तो आई नो सबको मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर ये सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं अभी मैं दुपट्टा की बात करती हूँ दुपट्टा कुछ इस तरीके का कॉटन वाला रहने वाला है ये वाले प्रिंट के साथ और साथ में ये वाली लेसिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी तो आई लाइक इट अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट कुर्ता सेट पे एक और येलो हमारे पास रहने वाला है बट उसको मैं लास्ट में दिखाऊंगी सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का आपको एक दिखाती हूँ कुर्ता सेट ग्रीन या टील बोल लो इसको किसी तरीके से ये इसका बॉटम वेयर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग आई जस्ट लव दिस सबसे पहले मैं इसी को दिखाती हूँ आप लोगों को ये भी आपको शरारा टाइप में मिलने वाला है इलास्टिकेटेड है और साथ में इसका प्रिंट लहरिया टाइप का प्रिंट देखने को मिल जाएगा आपको और आप इसका फ्लेयर देखना एक बार कितना ज़्यादा अमेजिंग है तो दोनों अपने-अपने जगह एक से एक बेहतरीन लगने वाला है पट्टी की डिटेलिंग के साथ और नीचे आप लोग वीडियो में भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि स्कर्ट टाइप का है स्कर्ट पहना हुआ है ये क्या बॉटम वेयर तो इसका बॉटम वेयर बहुत ज़्यादा प्यारा और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इसीलिए मैंने इसको परचेज़ करके देखा कि कैसा निकलता है तो सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा अभी मैं बात कर रही हूँ इसके कुर्ता की और ये बिल्कुल पार्टी वेयर है बिल्कुल फेस्टिव वेयर है और फैब्रिक सिल्क ब्लैंड वाली साइड में कहीं ना कहीं रहने वाला है आप ये कॉम्बिनेशन देखो ग्रीन और टील ब्लू कलर का आई जस्ट लव दिस कलर कॉम्बिनेशन और इसका पैटर्न आप लोग देख सकते हो फ्रंट वाले पोर्शन में आपको पूरा वर्क से भरा हुआ मिल जाएगा मीडियम साइज लिया था थ्री फोर स्लीव्स के साथ और इसकी लेंथ जो है प्रॉपर कुर्ता वाली जो होती है उससे थोड़ी शॉर्ट रहेगी क्योंकि ऑफकोर्स शरारा है तो आपको पूरा नीचे का जो घेर रहेगा वो देखने को मिलेगा इसका कलर कॉम्बिनेशन इज जस्ट पाओ आप लोग डेफिनेटली इसको एक ट्राई दे सकते हो अभी मैं बात कर रही हूँ इसके दुपट्टा की दुपट्टा बिल्कुल सिल्क वाले साइड में कहीं ना कहीं रहता है और बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना कि आप इसको इजीली संभाल सकते हो वो वाला दुपट्टा रहने वाला है जस्ट just... मैं कितनी बार बोल चुका है जस्ट डोंट नो बट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा कुछ इस तरीके का दुपट्टा आप लोगों को मिल जाता है और साथ में कोटापट्टे की डिटेलिंग के साथ बाकी आप वीडियो में देख सकते हो कि ये किस तरीके का मुझ पर लग रहा था आप उससे आइडिया लगा सकते हो सेकेंड लास्ट कुर्ता सेट पर हम लोग आ भी चुके हैं और सेकेंड लास्ट कुर्ता सेट का कलर देखना आप लोग कुछ इस तरीके का कलर ये रहने वाला है इसमें आपको पिंक ऑरेंज रेडिश थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिल जाता है प्रिंट आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा प्रिंट है अब फॉयल मिरर वर्क आप को देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको फॉयल मिरर वर्क देखने को मिलेगा फ्रंट वाला पूरा का पूरा पोर्शन इस तरीके से है थ्री फोर स्लीव के साथ कटआउट डिटेलिंग के साथ आप लोग देखिए ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था मुझे पिक्चर में तो मुझे लगा कि एक ट्राई तो देना बनता है तो ये आपको वही नायरा कट वाले साइड में कहीं ना कहीं मिलेगा और घेर अच्छा खासा है साथ में इसके भी यहाँ पे आपको टेसल मिल जाती है यहाँ पे स्टिच वाली ये पोर्शन है तो आप इसको और अगर टाई करना चाहो तो वो आपकी चॉइस है तो कट आउट के डिटेलिंग के साथ आपको ये वाला कुर्ता सेट मिलता है साथ में आपको इस तरीके का गोटा पट्टी की लाइनिंग भी लाइनिंग बोल रही हूँ इस तरीके की लेसिंग भी मिल जाती है तो ये भी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है अभी मैं बॉटम वेयर की बात कर लेती हूँ इसकी बॉटम वेयर जो रहने वाला है इसका दुपट्टा बहुत काफ़ी प्यारा है इस तरीके से शिफॉन वाली साइड में जो दुपट्टा होता है ना वैसा इसका दुपट्टा रहने वाला है तो इसकी बॉटम वेयर की बात करती हूँ बॉटम वेयर कुछ इस प्रिंट में मिलने वाला है सिल्क ब्लैंड फैब्रिक है तो प्लाजो वाला देख सकते हो आप लोग इसका फ्लेयर तो ये प्लाजो वाले स्टाइल में कहीं कही ना कहीं रहने वाला है दोनों तरफ पॉकेट है सेमी है प्रिंट आप लोग देख चुके हो अभी मैं इसका दुपट्टा दिखाती हूं आप लोगों को दुपट्टा कुछ इस तरीके का रहने वाला है काफ़ी ऐसे संभलने वाले फैब्रिक में ये रहने वाला है और ये प्रिंट के साथ गोटा गोटापट्टे की डिटेलिंग के साथ ये वाला कुर्ता सेट सेकेंड लास्ट होता है हमारे पास और सबका बजट अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस मुझे नहीं है यार प्राइस मैं स्क्रीन पर आप लोगों को मैंशन कर दूंगी बाकी काफी ज्यादा ऑफ लगा हुआ है लिबास वाली साइड पर तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं डेफिनेटली लास्ट कुर्ता सेट पे चलते हैं जो कि एक अनारकली होने वाला है और अनारकली के साथ नीचे जो बॉटम वेयर मिलेगा वो आपको चूड़ीदार मिलेगा जो कि काफी कम कुर्ता सेट्स के साथ मिलता है क्योंकि आजकल प्लाजो और ज्यादातर चलने लग गए प्लाजो या प, आ, क्या बोलते हैं पेंट स्टाइल बॉटम वेयर किस तरीके के रहने लगे हैं अभी मैं बात करती हूँ ये वाले कुर्ता की तो इसका येलो अलग है वो वाला येलो अलग है वो थोड़ा मस्टर्ड वो तीखा वाला येलो में आ जाता है ये थोड़ा सोबर वाले येलो में आ जाता है इस तरीके की डिटेलिंग व्हाइट के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगी और थ्री फोर्थ स्लीव के साथ सिल्क ब्लैंड फैब्रिक में आपको ये मिल जाता है अनारकली इसका घेर जो इससे पहले वाली एक अनारकली और आई थी ना रेड वाली उसका घेर थोड़ा ज़्यादा था इसका घेर हल्का सा कम रहता है और इसके अंदर पॉकेट भी है लेफ्ट वाली साइड में नीचे वाले पोर्शन में आप लेसिंग की डिटेल देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है तो वाइट कलर की लेसिंग सीक्वेंस का वर्क गोटा पट्टी के साथ आप लोगों को एक प्यारा सा अच्छी लेंथ का अनारकली देखने को मिल जाता है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी तो उस हिसाब से नीचे चूड़ीदार काफ़ी ज़्यादा जच रहा था और चूड़ीदार में दिखा देती हूँ आप लोगों को वैसे तो इसमें दिखाने का कुछ है नहीं इस तरीके का प्रिंट रहेगा और साथ में ना अच्छी बात ये है कि इस तरीके से आप इन्होंने बटन दिए हैं तो ईजिली ये मतलब जा पा रही थी और ईजिली निकल भी पा रही थी तो एक अच्छी चीज़ ये है इलास्टिकेटेड यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है तो कंफर्टेबल थी पहनने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई ये चीज़ मैं एक मैंशन ज़रूर करना चाहूँगी सिल्क ब्लैंड फैब्रिक के साथ ही वाला कुर्ता सेट होता है दुपट्टा की बात कर लेती हो दुपट्टा अगेन सिल्क ब्लैंड में ही रहने वाला है और आप इसको डेफिनेटली किसी भी फेस्टिव एयर में पहन सकते हो गोटा पट्टी की डिटेलिंग के साथ आप लोगों को ये दुपट्टा मिल जाता है तो ये था हमारा आठ कुर्ता सेट के साथ आज का हॉल आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि इनमें से काफी सारे कुर्ता सेट ऐसे हैं जो कि आप डेफिनेटली बहुत बार पहन सकते हो सिर्फ फेस्टिव सीजन में ही ना सही मतलब कहीं पर भी आपको जाना है वर्क वियर पर स्पेस पर जाना है आपको कहीं पर भी जाना है तो आप डेफिनेटली पहन सकते हो मिलती हूँ अगली वीडियो में टिल देन बाय बाय